वेलकम टू माय चैनल। और आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा को सॉल्व करेंगे। अब न्यूमेरिकल इस तरीके का हो सकता है कि एलिप्स का केस हो, ठीक है। तो सबसे पहले एलिप्स के बारे में पता हो, जैसे इस तरीके की इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, ठीक है ना। और एलिप्स दो टाइप का होता है, ठीक है, दो टाइप का। बस बेसिक सी बातें हैं कि इस तरीके से दूसरी टाइप एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर ए स्क्वेयर है तो इसके नीचे बी स्क्वेयर हो जाएगा, एक बार उल्टा हो जाएगा, वाई के नीचे ए आ जाएगा, ठीक है। और दोनों ही केसों में ये बात होगी कि ए हमेशा बी से बड़ा होगा, ये है बेसिक चीज़, ठीक है। और हमने बात करनी है इस टाइप के एलिप्स की, ठीक है। तो इस टाइप का एलिप्स किस तरीके का होगा अगर डायग्राम से समझना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम किस तरीके का एलिप्स होगा, ये इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके से। वैसे सिमेट्री होगी, ठीक है ना, मतलब नीचे भी, कहने का मतलब क्या, सिमेट्री से जैसे इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब जितना पार्ट ऊपर है इस तरीके से, ये वाली लाइन नहीं होगी यहाँ पर, इस तरीके से डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। कब, जब ये वाला केस हो, मतलब जब एक्स के नीचे ए बढ़ाओ, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस इस तरीके से, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ए बढ़ा बी से इस तरीके से, तो एक्स एक्सिस पर इस साइड माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर वाई और नीचे माइनस वाई एक्सिस इस तरीके से, ठीक है। और अगर इस टाइप का कभी केस हो तो इस टाइप का एलिप्स किस तरीके का होता है, इस तरीके का, तो यहाँ पर एक्स के नीचे बी है तो बी छोटा, मतलब वाई पर बड़ा होगा, मतलब इस तरीके का एलिप्स हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बस यहाँ पर हमें समझना है इस तरीके से, ठीक है। अब ये तो ही एलिप्स के बारे में बात है, इससे अगली बात, अब जैसे आगे क्या है कि जो मैक्सिमम एरिया, जिसको मैक्सिमम या फिर मिनिमम दिखाना, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, किसको, एरिया को, ठीक है। एरिया, एरिया किसका, आइसोस्केलस ट्रायंगल। सबसे पहले इसके बारे में पता हो, आइसोस्केलस, आइसो का मतलब सेम, आइसो वर्ड है, इसका मतलब क्या है, सेम, सही बात। लेकिन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, तीन साइड, ठीक है। लेकिन आइसोस्केलस ट्रायंगल किस तरीके का होता है, इस तरीके से, कोई ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना, दो साइड इक्वल होंगी, कोई भी दो साइड लेके चल सकते हो इक्वल, इस तरीके से, कोई भी दो इक्वल हो सकती है, कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है ए बी और ए सी बराबर हो, सही बात है। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ दो एंगल भी बराबर होंगे, सही है ना, दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, जो भी दो साइड बराबर है उनके एंगल भी इक्वल होंगे। इस बात का मतलब, जैसे मान ली कि ए बी और ए सी बराबर है, तो मतलब ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे इस तरीके से, सही है। और एंगल इक्वल हो गए, ठीक है, तो जो यहाँ से इस वर्टेक्स से यहाँ पर पॉइंट होगा, मतलब इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर, जैसे D मान लिया, तो इस बात का मतलब है कि D मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका सामने वाली साइड का, BC का, ठीक है। और यहाँ पर ये हमने समझा था कि आइसोस्केलस ट्रायंगल की बात हमने पहले भी सीखी थी, वहाँ पर हो सकता है, मतलब AB और AC जरूरी नहीं दो इक्वल हो सकता, कभी AB और BC बराबर हो सकता है, A से C और C से B बराबर हो, वो डिपेंड करेगा, कोई भी दो साइड बराबर हो, ठीक है, इसका ये मतलब था। अब यहाँ पर शो दैट द मैक्सिमम एरिया किसका, आइसोस्केलस ट्रायंगल का, और वो इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर है, किसके अंदर है, एलिप्स के अंदर, ठीक है, इस तरीके का एलिप्स है, और विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड। अब वर्टेक्स क्या होती है, अब ये बातें हमें पता होनी चाहिए एलिप्स की, एलिप्स की वर्टेक्स ये वाली, सही है। वर्टेक्स होती क्या, अगर वर्टेक्स की डेफिनेशन की बात करें, जहाँ पर दो लाइन मिले, या फिर कहो कि दो कर्व मिले, जैसे एक्स एक्सिस मिल रही है और ये कर्व मिल रही है, इस तरीके से वर्टेक्स, सही बात है। यहाँ पर कोई भी एक एंड की बात करनी है, तो मतलब दो वर्टेक्स होती हैं, इस एलिप्स की बात कर रहे हैं, सही है। तो इस वर्टेक्स का नाम क्या है, ए कोमा जीरो, बेसिक सी बातें, ये कितना हो जाएगा, माइनस ए कोमा जीरो होगा, क्यों, यहाँ पर तो माइनस एक्स था इस वजह से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो डिस्टेंस उतना ही है ओरिजन से, या फिर कहें सेंटर से डिस्टेंस उतना ही है, तो माइनस ए जीरो, इस तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये ए जीरो है, तो ये पॉइंट कभी इस पॉइंट की बात हो, तो इस पॉइंट की बात हो, तो यहाँ पर पॉइंट किस टाइप का होगा, इस पर वाई एक्सिस की खास बात एक्स जीरो, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस की खास बात क्या है, वाई जीरो, मतलब पूरी एक्स पर वो माइनस हो या फिर प्लस का एक्स हो, ये बात भी डिस्कस की थी हमने, तो वाई जीरो, तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो कोमा, और ये कितना बी है, इस तरीके से, मतलब ये डिस्टेंस है बी, कहने मतलब यहाँ पर डिस्टेंस तो ए है, लेकिन पॉइंट माइनस ए टाइप का हो जाएगा,
सही है। और नीचे किस टाइप का पॉइंट होगा, सिमिट्री है तो ऊपर जीरो कोमा, नीचे माइनस वाई होता तो माइनस भी, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड, किसका वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर का मतलब जो बड़ी है, और बड़ी एक्स एक्सिस पर है, सही है। तो बड़ी एक्सिस की कोई भी एक वर्टेक्स ले लो, चॉइस है, ये वाली वर्टेक्स लो या फिर ये वाली वर्टेक्स, चॉइस रहेगी यहाँ पर, ठीक है। एरिया क्यों रहेगी चॉइस, क्योंकि एरिया, एरिया कभी पॉजिटिव मतलब नेगेटिव होना नहीं, तो पॉजिटिव ही तो रहेगा इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर इस वर्टेक्स से, सही है, जैसे इस वर्टेक्स की बात करो या फिर इस वर्टेक्स की, एरिया रहना बराबर और पॉजिटिव रहेगा, सही है। तो इस वर्टेक्स से, इस मेजर एक्सिस की वर्टेक्स से, वर्टेक्स तो ये भी है, ठीक है ना, लेकिन ये माइनर एक्सिस की है इस केस में, इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक सी बातें हैं, तो इस वर्टेक्स से कोई भी एक एंड है वर्टेक्स से एक ट्रायंगल ड्रा करना, कौन सा ट्रायंगल, आइसोस्केलस, मतलब जिसकी दोनों साइड बराबर हो, दो कोई दो साइड बराबर हो, इस तरीके से, ये है वो ट्रायंगल, ठीक है ना, इस तरीके का ट्रायंगल होगा। सेम बात यहाँ पर इस तरीके का ट्रायंगल ड्रा कर सकते हो, जरूरी थोड़ी ना कि मतलब हो सकता है इस वर्टेक्स का यूज करना चाहते हो हम, इस तरीके का ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। एरिया इसके अंदर का एरिया तो बराबर रहेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। हाँ, वर्टेक्स चेंज हो जाएंगी, वर्टेक्स का मतलब जो ट्रायंगल की ये तीन वर्टेक्स है, ठीक है ना, वो चेंज हो जाएंगे, एक बार प्लस का हो जाएगा, एक बार माइनस का हो जाएगा, कहने का ये मतलब था, लेकिन एरिया बराबर रहेगा इस तरीके से, ठीक है। वो कभी यहाँ पर मेजर एक्सिस की बजाय माइनर एक्सिस का केस हो सकता है, फिर यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से ड्रा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना, कभी इस तरीके का केस हो तो बस यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, कोई मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल ड्रा करना हो तो कभी इस तरीके का भी केस हो सकता है, जब माइनर एक्सिस का यूज करना हो, सेम बात नीचे के लिए, इस तरीके के केस हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो थी इसकी बात, अब न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम एरिया, ठीक है ना, मैक्सिमम एरिया तो क्या कहा था हमने, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले डायग्राम ड्रा करेंगे, इस तरीके का डायग्राम, मतलब कोई भी एक ट्रायंगल ड्रा करना, या तो ये होगा इस केस में या फिर ये, एरिया दोनों का बराबर आना, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम एरिया, तो एरिया सही बात है, एरिया किसका, आइसोस्केलस ट्रायंगल की बात करनी है तो मतलब ए, इस तरीके से कि कोई भी ट्रायंगल हो, एरिया क्या होगा, हमेशा ही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सीधी सी बात है, कोई भी ट्रायंगल हो, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल की जैसे बात कर लेते हैं, ये पॉइंट मतलब मान लिए हमने ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी की बात करनी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है ना, अब इस तरीके से, अब ये बी पॉइंट कितना होगा, सही है ना, क्यों चाहिए ये बात है? ये बात हमने एक न्यूमेरिकल में डिस्कस भी की थी कि हमें चाहिए बेस, ठीक है ना, हाफ इंटू, जैसे इस ट्रायंगल की बात करें, हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो हाइट क्या होगी यहाँ पर, हाइट होगी ए से, जैसे ये पॉइंट मान लिया डी, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हाइट क्या है, ए से डी, या फिर डी से ए, को बात वही है, और बेस क्या हो जाएगा, बी से सी, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि हमने आइसोस्केलस ट्रायंगल इस तरीके से माना कि यहाँ पर शो करेंगे कि ए बी और ए सी इक्वल मान के चले, इस वजह से, ठीक है, बस यहाँ पर इसका यूज कर लो, ठीक है। अभी यहाँ पर मतलब बी से सी डिस्टेंस चाहिए हमें, बी से सी डिस्टेंस कब होगा, जब बी और सी पॉइंट होगा, ये पॉइंट है यहाँ पर काम का कि बी और सी, ए पॉइंट तो है हमारे पास, सही है, तो बी और सी चाहिए यहाँ पर कि बी और सी पॉइंट क्या होंगे, ठीक है। अब जैसे नॉर्मली हम पॉइंट क्या मानेंगे, एक्स कोमा वाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बस ये काम की बात है यहाँ पर कि पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात करनी है, ठीक है ना, पैरामीट्रिक इक्वेशन किसकी, एलिप्स के लिए, ठीक है, किस तरीके से कि एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करना है यहाँ पर, ए कोस थीटा, ठीक है, और वाई क्या पुट करना है, बी, इस तरीके से, ठीक है, वाई को बी साइन थीटा पुट करेंगे, इस तरीके की बात करनी है, ठीक है ना। पैरामीट्रिक इक्वेशन होती कौन सी, एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, वो दोनों एक नए वेरिएबल की फॉर्म में हो, इस तरीके से, सिंपल डिफरेंशिएशन चैप्टर में आती है ये बातें, ठीक है ना, ये हमने डिस्कस भी की थी कि पैरामीट्रिक इक्वेशन वहाँ पर थीटा और टी का केस था, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि चॉइस है, यहाँ पर x इज इक्वल टू ए कोस टी भी पुट कर सकते हो, या फिर बी साइन टी, मतलब दोनों को किसी नए वेरिएबल में पुट करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। और कभी इस चीज़ को समझना कि यहाँ पर इस तरीके से पुट, क्योंकि इसको सिंपल से सिंपल तरीके समझ सकते हैं कि x बाई ए कितना हो जाएगा पहली इक्वेशन में से कोस थीटा, सही है। और एक ट्रिक हमारे पास थी कि इस तरीके से पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले,
इस तरीके से, ठीक है। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस का नाम ही तो होता है कोस थीटा, ठीक है ना, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। अब दो राइट एंगल ट्रेंगल है, सही है, इन एंगलों की बात करनी है, मतलब ट्रेंगल एक बार तो ए बी डी को चेक करेंगे किस तरीके से, जैसे एक बार ऊपर वाले ट्रेंगल को, ठीक है, ट्रेंगल ए बी डी की बात कर रहे हैं, सही है। ये परपेंडिकुलर एंगल कौन सा होगा, यहाँ पर जो ये कोस थीटा लिख दिया, ये थीटा कौन सा, इस एंगल की बात करनी है हमें, ठीक है ना। परपेंडिकुलर जो सिंपल आइसोस्केलस ट्रेंगल की बात की थी कि एंगल भी बराबर होंगे इस तरीके से, सही है। तो सेम बात यहाँ पर, एंगल यहाँ से ए से माप रहे हैं, ए से मेजर कर रहे हैं, सही है ना, क्यों, क्योंकि उसने कहा था वर्टेक्स से, किसी एक वर्टेक्स से एक ट्रेंगल ड्रा करना है एलिप्स के अंदर, इस वजह से, ठीक है। तो इसलिए दो सेम साइड माननी हमने इस तरीके से, ठीक है, बस यहाँ पर ये काम की बात है कि ये एंगल इस एंगल की बात करनी है, सही है, मतलब एक बार इस एंगल की थीटा की, तो इसमें इस केस के हिसाब से, ठीक है। पर एक बात हमें पता होनी चाहिए कि सिंपल राइट एंगल ट्रेंगल में बस वो बात कौन सी, कि परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, सही है, और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो बच जाए वो बेस, सही है। अब ये बात यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, एक्स बाई ए कोस, ये वाली चीज़, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितनी है, कंपेयर कर लो, हाइपोटेनस ए है, हाइपोटेनस कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड ए, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर कोस बेस क्या हो जाएगा, बेस एक्स होगा, सही है, और बेस होगा का मतलब एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, सही है, लेकिन जो तीसरी साइड बचेगी वही तो है बेस एक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो यही तो है वो एक्स, हमें थोड़ी नहीं पता ये कितना डिस्टेंस, हाँ टोटल तो ये है, ये मना नहीं करेंगे टोटल ये है इतना डिस्टेंस, लेकिन इसका थोड़ी नहीं पता इस वजह से। सेम बात इस केस में समझेंगे कि यहाँ पर वाई बाई बी किसके बराबर आ गया, साइन थीटा, और साइन थीटा होता किसके बराबर है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, सही है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो इसके लिए दूसरे ट्रेंगल से समझेंगे ये बात, इस तरीके से बात करनी है, ठीक है ना। तो ट्रेंगल ए डी सी लेके चल लेंगे एक बार, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके का ट्रेंगल है, एंगल इसकी बात करनी है, ये हो एंगल थीटा, सही है, ये परपेंडिकुलर जैसे ए डी और सी, इस तरीके से। तो यहाँ से भी ये बात समझ सकते हैं ए डी सी से, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की बात कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वाई हो जाएगा, ठीक है ना, हमें थोड़ी नहीं पता है कितना डिस्टेंस है वाई एक्सिस पर, इस तरीके से, ठीक है, बस यहाँ पर इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। या फिर डायरेक्ट कहो कि पैरामेट्रिक इक्वेशन इस तरीके से, ठीक है ना, पॉइंट एक्स कोमा वाई की बजाय इस तरीके से हम लेट करके चलेंगे। और एक और बात क्यों करेंगे, क्योंकि हमने एरिया निकालना है, जिस चीज़ को मैक्सिमम शो करना उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखो, तो यहाँ पर बी सी और ए डी निकाल लेंगे, तो वो जैसे पॉइंट एक्स कोमा वाई मान भी लिया, सही है, अगर B पॉइंट x कोमा वाई माना, तो एक बात बताओ, पहली बात तो जैसे B मान लिया x कोमा वाई, तो C कितना होगा, बस ये बताओ, ये बात खुद है, तो C पॉइंट कितना होगा, है सिमेट्री का केस है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, सही है। तो डिस्टेंस बराबर होने का मतलब, लेकिन क्वाड्रेंट चेंज है, मतलब दोनों में x एक्सिस यूज हो रही है, प्लस की x, तो मतलब x तो एज इट इज रहेगा, सही है, लेकिन y ऊपर था प्लस का, ऊपर है प्लस का वाई, नीचे माइनस का वाई हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। मतलब ये बी पॉइंट किस तरीके का हो जाएगा, पॉइंट बनेगा एक्स कोमा वाई से, एक्स की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो बी पॉइंट यहाँ पर जो ये बी पॉइंट है कितना हो जाएगा, ए कोस थीटा और बी साइन थीटा, सही है, एक्स कोमा वाई की वैल्यू पुट की है। तो और सी क्या हो जाएगा, सी ए कोस थीटा होगा, लेकिन माइनस बी साइन थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे वाले क्वाड्रेंट, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरीके से, ठीक है ना, सिमेट्री है, मतलब सिमेट्री का मतलब जैसे इस एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर भी इतना ही पार्ट है, नीचे भी, सेम बात यहाँ पर वाई से लेफ्ट में भी इतना ही पार्ट है और राइट में भी इतना ही पार्ट है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पॉइंट मतलब चेंज हो जाएंगे, हाँ ये बात भी है कि मतलब इस कभी इस ट्रेंगल को लेके चलो तो बात वही रहेगी, फिर वहाँ पर भी पॉइंट चेंज हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का ए कोस थीटा और यहाँ पर वाई पॉजिटिव, ठीक है ना, इस तरीके, मतलब इस तरीके से बात करनी है, अगर कभी बी सी इसको लेके चलो तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा और नीचे माइनस ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इस तरीके से, ठीक है, बस यहाँ पर एक्स वाई मान के चले, ठीक है। तो अब जैसे वर्टिसेस हमारे पास ट्रायंगल की कौन कौन सी, ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी,
बी था हमारे पास ए कोस थीटा बी साइन थीटा, इस तरीके से सही है। सी था ए कोस थीटा लेकिन माइनस का बी साइन थीटा, इस तरीके से। और ए ए था ए कोमा जीरो, ये थी बेसिक नॉलेज, मतलब जो वर्टिसेस, इस तरीके से वर्टेक्स किसकी, एलिप्स की, ठीक है, इस तरीके से। और हमें क्या निकालना है यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से मतलब है, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ए माना था हमने, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था, हाफ इंटू में बेस और इंटू में हाइट, ठीक है। अब यहाँ पर हाफ इंटू बेस, जैसे बी सी और ए डी, इस तरीके से, जैसे ये ट्रायंगल था हमारे पास, ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट, इस तरीके से, ठीक है, और ये था वो बीच में डी, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसके मतलब एरिया निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है ना, दो वे होंगे, किस तरीके से, अब चॉइस है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल है कौन सा, मतलब यहाँ पर जैसे अप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, सही है ना, अप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट का यूज कर सकते हो, किस तरीके से, जैसे डिटरमिनेंट में एक फॉर्मूला था हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला, कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, कब, जब वर्टिसेस गिवन हो, मतलब उनके पॉइंट गिवन हो, कहने का ये मतलब इस तरीके के पॉइंट गिवन हो, सही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर डिटरमिनेंट का यूज करना चाहते हो, बस कुछ नहीं, 1/2 लिखा डिटरमिनेंट का सिंबल, इस तरीके से, ठीक है। और बस यहाँ पर ये वैल्यू पुट करो, जो यहाँ पर पॉइंट है ए जीरो है, इस तरीके से ए जीरो, ठीक है, 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, मतलब तीन रो नीचे तीन पेर, मतलब तीन रो तीन कॉलम, कहने का ये मतलब। और यहाँ पर बी के लिए ए कोस थीटा पुट कर दो और बी साइन थीटा, इस तरीके से, और नीचे ए कोस थीटा माइनस का बी साइन थीटा, सही है। और राइट हैंड मतलब जो थर्ड कॉलम है तीनों वन, इस तरीके से फॉर्मूला था, सही है, मतलब इसका यूज करना चाहते हो तो ये है पहला तरीका, सही है। अगर इसको सोल्व करें किसके बराबर आएगा, कैलकुलेशन बराबर आएगी, ठीक है ना, किस तरीके से। अब यहाँ पर चॉइस है, मतलब डायरेक्ट सोल्व करना चाहते हो, डायरेक्ट कहने का मतलब क्या है, डायरेक्ट डिटरमिनेंट अप्लाई करना चाहते हो, या फिर मतलब किसी को सब्सट्रैक्ट करके सोल्व करना चाहते हो, बात वही आएगी, ठीक है। डायरेक्ट मतलब यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर ले डिटरमिनेंट, किस तरीके से, इसको एक्सपेंड कर दे, ठीक है ना, एक्सपेंड करेंगे किसके अलोंग, आर वन के, आर वन ये है पहली रो, ये है आर वन, ये आर टू, ये आर थ्री, और ये कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, सही बात है। बस एक्सपेंड अलोंग आर वन क्या, क्यों, क्योंकि उसमें एक जीरो, इस वजह से, ठीक है। अब एक्सपेंड किस तरीके से होता है, एक्सपेंड 1/2 तो है साथ में, ठीक है, तो ए इंटू में, ए इंटू में, इस ए इंटू में, इसके लिए इसकी रो और इसके कॉलम छोड़ दो, और बाकी डिटरमिनेंट इस इनकी मल्टीप्लाई करो, बी साइन थीटा इंटू वन बी साइन थीटा, ऊपर जाओगे माइनस आएगा फॉर्मूले की वजह से, ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई माइनस बी साइन थीटा, मतलब एक, और इस तरीके से एक था फॉर्मूले की वजह से, एक यहाँ पर है, कैलकुलेशन है, फिर माइनस का जीरो, अल्टरनेट वाली साइन वाली बात याद रखनी है, किस तरीके से, कि डिटरमिनेंट में प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये है वो अल्टरनेट साइन, जब एक्सपेंड अलोंग आर वन कर रहे हो तो ये प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस का माइनस का फिर प्लस का, जीरो इंटू समथिंग जीरो आएगा रिजल्ट, इस वजह से यहाँ पर लिखा नहीं, सही है। और प्लस इस वन के, वन इंटू में, अब वन के लिए, इस वन के लिए इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दो, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ए कोस थीटा इंटू माइनस बी साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा, माइनस ए बी, कैलकुलेशन है, माइनस ए बी साइन थीटा कोस थीटा, सही है। फिर माइनस का साइन, वन के इंटू में ये चीज, माइनस का साइन फॉर्मूले की वजह से, ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई करो, मतलब जब ऊपर जाओगे तो माइनस आएगा, ये बात भी सीखी थी हमने, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ए बी साइन थीटा और कोस थीटा, इस तरीके से, ए बी साइन थीटा कोस थीटा, इस तरीके से, ये है वो कैलकुलेशन, ठीक है। अब बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो, किस तरीके से, जो भी कैलकुलेशन आई, यहाँ पर बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा, टू बी साइन थीटा, और उस जैसे यहाँ पर कितना आएगा, टू बी साइन थीटा, और उस टू से ये कैंसिल, सही है, तो मतलब एक बी साइन थीटा रहेगा, सही है। और अंदर क्या बचेगा, जैसे ए बी साइन थीटा, कैलकुलेशन है तो, ठीक है, और यहाँ से माइनस ए बी, माइनस ए बी, माइनस का टू ए बी, और ये मतलब माइनस का टू ए बी, और टू से टू कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मतलब एक फैक्टर बचेगा, तो और क्या बच जाएगा, माइनस का ए बी साइन थीटा कोस थीटा, इस तरीके से। और यहाँ पर ए बी कॉमन दिख रहा है, ए बी और साइन थीटा कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा, वन माइनस कोस थीटा,
इस तरीके से, ये है पहला तरीका। या फिर डायरेक्ट मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली बात अप्लाई करना चाहते हो तो भी सही है, उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए, बी सी चाहिए हमें, बी से सी तक का डिस्टेंस बात वही रहेगी। बी से सी निकालना चाहते हो तो बी से सी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लो, बी से सी स्क्वेयर रूट आएगा किसका, अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वेयर। अब बी से सी की बात कर रहे हैं, इन दोनों का यूज कर लो। अब एक्स जैसे फॉर्मूला क्या था, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वेयर प्लस का साइन वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वेयर, टू डी के हिसाब से है, सही है, का स्क्वेयर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला ये था, सही है। तो यहाँ पर अब x2 और x1 अपने आप सेलेक्ट करो, यहाँ पर चॉइस है इसको x1 मान रहे हो या फिर इसको x2, चॉइस है, बात वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 करेंगे तो a cos थीटा माइनस a cos थीटा जीरो, जीरो का होल स्क्वायर जीरो, कैलकुलेशन है तो यहाँ पर जीरो आएगा, बीच में प्लस का साइन, ठीक है। और यहाँ पर b sin थीटा एक बार माइनस फॉर्मूले की वजह से एक यहाँ पर है तो मतलब ऐड हो जाएगा, तो 2b sin थीटा हो जाएगा, और उसका जब 2b sin थीटा लिखेंगे और उसका स्क्वेयर, ठीक है, जीरो ऐड किया ना किया बात बराबर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा अंदर 2b sin थीटा, इस तरीके से 2b sin थीटा बचेगा यहाँ पर, सही है। इसी तरीके से क्या निकालना हमने, a से d, a से d निकालना, लेकिन d तो है नहीं, लेकिन d नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन d की प्रॉपर्टी थी क्या कि d मिड पॉइंट है, किस किस का, b से c, तो सबसे पहले d पॉइंट लिखेंगे, d पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, मतलब जिसको ये फॉर्मूला ना आता हो उसके लिए ये दूसरा मेथड, तो मिड पॉइंट अप्लाई कर लो। मिड पॉइंट का कौन सा तरीका, अब डी के लिए, मिड पॉइंट के लिए सीधी सी बात है, बस इस तरीके का होता है मिड पॉइंट की, एक्स वन प्लस एक्स टू दो से डिवाइड कर दो, फिर वाई वन प्लस वाई टू इस तरीके से दो से डिवाइड कर दो, कब, जब पॉइंट एक्स वन वाई वन और दूसरा एक्स टू वाई टू, ठीक है। तो यहाँ पर बस दोनों का ऐड करो और दो से डिवाइड कर दो, ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा कितना हो जाएगा, टू ए कोस थीटा, दो से डिवाइड करोगे यही आ जाएगा ए कोस थीटा, सही है। और यहाँ पर दोनों को ऐड करोगे तो एक बी साइन थीटा, एक माइनस का है तो मतलब जीरो, जीरो बाई टू जीरो, ये है वो डी पॉइंट, सही है, डी पॉइंट है और साथ के साथ ए पॉइंट है, तो हमें तो ए से डी चाहिए ना, तो ए से डी कैलकुलेशन है ये और कुछ नहीं, ए से डी, ए से डी कितना है, अब ए से डी निकालो जैसे यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, तो ए से डी कितना हो जाएगा, स्क्वेयर रूट, किसका स्क्वेयर रूट है, अब यहाँ पर इसको x2 मानो या फिर इसको x1, बात वही रहेगी, मतलब a cos a माइनस a cos थीटा लिखो या फिर a cos थीटा माइनस a, कहने का ये मतलब है, जैसे यहाँ पर a माइनस a cos थीटा लिख लिया, का होल स्क्वेयर प्लस का साइन, ठीक है, जीरो माइनस जीरो तो जीरो, जीरो का होल स्क्वेयर जीरो, वो लिखा ना लिखा बराबर बात है, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, a माइनस a cos थीटा बचेगा सिर्फ, ए डी, तो a कॉमन ले लो, a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा अंदर, वन माइनस cos थीटा, ठीक है, तो ए डी क्या आया, ए इंटू वन माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो तो वन बाई टू एज इट इज, ठीक है। बी से सी, बी से सी कितना आता, टू बी साइन थीटा, सही है, टू से टू कैंसिल, इंटू में ए डी, ए डी भी तो है साथ में, ए डी क्या है, ए कॉमन इस तरीके से, और अंदर वन माइनस कोस थीटा इस तरीके से, ठीक है, वही तो है, वही बात लिखी है, मतलब चॉइस है, पहला तरीका अप्लाई करना चाहते हैं या फिर दूसरा। हाँ, यहाँ पर ये भी है कि ये फैक्टर चेंज हो सकता, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे, कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने क्या कि a माइनस a cos थीटा, कभी ये लिख दें कि a cos थीटा माइनस a, बात वही है, सही है ना, डिस्टेंस तो बराबर होने, a से d निकालो या फिर d से, इस तरीके से, या फिर इस तरीके समझो कि sin थीटा है, ठीक है ना, साइन थीटा का रिजल्ट कोई नंबर आएगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट कोई नंबर आता है, ये बात है, इस तरीके से, और उसमें सब्ट्रैक्ट होगा, बात वही आनी है, ठीक है ना, इस तरीके से, बस यहाँ पर चॉइस रहेगी, कहने का ये मतलब था, ये था एरिया। इस एरिया की खास बात क्या है, ए से बी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, सही है ना, कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, सिर्फ उसने एलिप्स दिया था, ठीक है, लेकिन ये बात हमें पता होनी चाहिए कि ये मतलब कॉन्स्टेंट होते हैं, कॉन्स्टेंट डिस्टेंसेज होते हैं मेजर और माइनर एक्सिस के, सिर्फ वेरिएबल क्या है, थीटा है, मतलब एक वेरिएबल ही तो चाहिए था, यही तो था वो मेन काम, सही है। लेकिन जब पॉइंट सिर्फ एक्स और वाई मान लिए, उस केस में हमारे पास दो वेरिएबल आएंगे, एक्स और वाई आ जाएंगे, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं, उसके लिए एक रिलेशन होना चाहिए, तो मतलब सोल्व होगा नहीं, कहने का ये मतलब था, और इसलिए पैरामीट्रिक इक्वेशन की जरूरत पड़ी। यहाँ पर एरिया आ चुका, इससे अगला काम डी ए बाई डी थीटा निकाल लो इस तरीके से, ठीक है, उससे अगला काम पुट कर दो जीरो के बराबर, वहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से थीटा की वैल्यू आ जाएगी,
फिर यहाँ पर जैसे फिर सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे इस तरीके से, ठीक है, डी थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर उसने कहा था कि मैक्सिमम एरिया की बात करनी है, मतलब मैक्सिमम एरिया चेक करना, मैक्सिमम कब होगा, जब ये नेगेटिव आ जाए, ये बात भी सीखी थी, कब किस पर एट थीटा, जो भी थीटा की वैल्यू आई हो, कहने का ये मतलब है, ठीक है। और जो मैक्सिमम एरिया निकालना है, ठीक है ना, मैक्सिमम एरिया मतलब कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम या फिर मिनिमम, वो कहाँ से पता चलेगी, जो उसका फंक्शन लिखा इस तरीके से, मतलब वापिस थीटा की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, ठीक है ना, जो मतलब यहाँ पर प्रूव करने के लिए कहा है वही आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन रहेगी आगे इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।